दिन व दिन हम सब एक ऐसे मायाजाल के अंदर फंसते जा रहे हैं जिससे हम चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा जाल है जो सभी इंसानों को अपने ओर खींचता जा रहा है और हम सब इसमें फंसते जा रहे हैं। आज हमारे लिए इससे बचकर रहना नामुमकिन सा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम जिस जाल के बारे में बात कर रहे हैं उस मायाजाल का नाम है सोशल मीडिया। आज सिर्फ हमारे इंडिया में ही 500 मिलियन से ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया यूजर मौजूद है और ये संख्या हर साल 5% से ज्यादा रेट से बढ़ रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, ऑन एन एवरेज एक इंडियन हर दिन 3 घंटे से ज्यादा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही स्पेंड करता है। ऑन एन एवरेज एक इंडियन एक दिन में 2600 से ज्यादा टाइम अपने स्मार्टफोन को टच करता है। हम दिन में जितने टाइम मोबाइल के स्क्रीन पर नजर रखते हैं उसे पर डे मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम बोला जाता है। और आप ये सुनकर शायद आश्चर्य जरूर होंगे कि दिन 24 घंटे से एक आम इंडियन की स्क्रीनिंग टाइम 7 घंटे से भी ज्यादा है, यानी हम 7 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर ही रहते हैं। कभी फेसबुक पर पोस्ट किए हुए फोटोज के लाइक्स और कमेंट चेक करना हो या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स देखना। दोस्तों, हम ये सब सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों के एक ऐसा एडिक्शन बन चुका है जिससे उन्हें अपनी लाइफ का बहुत सारे कीमती वक्त को बर्बाद करना पड़ रहा है। दोस्तों, अल्कोहल सिगरेट की एडिक्शन के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज सोशल मीडिया लोगों की उससे भी ज्यादा एडिक्शन बन चुका है। ये बात कोई भी सोशल मीडिया कंपनी आपको नहीं बताएगा क्योंकि इससे उन्हें भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन चाहे फायदा हो या नुकसान, हमेशा की तरह आज डीपएक्स हिंदी आप लोगों को सोशल मीडिया के लिए बढ़ रही एडिक्शन के बारे में विस्तार में समझाएगा और साथ ही साथ इससे बचने के तरीका भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं डीपएक्स हिंदी। आमतौर पर सोशल मीडिया को फन, रिलैक्स और रिक्रिएशन के लिए यूज करते हैं। बहुत लोग सोशल मीडिया को असल जिंदगी का परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम असल दुनिया से अलग दूसरे एक दुनिया में चले जाते हैं, जहां हम बहुत कम समय में बिना कोई मेहनत से अच्छे अच्छे मजेदार चीजें देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे कि हमने वीडियो की पहले से ही कहा था कि एक इंडियन पूरे दिन में ऑन एन एवरेज 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर ही स्पेंड करता है। इस वजह से सोशल मीडिया एक डेली हैबिट बन चुका है। यंगर जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के एडिक्शन बन चुका है, जो कि उन्हें दुनिया को आगे तक ले जाने की प्रयास में रुकावट दे रहा है। साइंटिस्ट ने इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चीजों को सोशल मीडिया पर छोड़ना और लोगों को खुद के बारे में बात करना अच्छा लगता है। ह्यूमन बींग्स के 30-40% हिस्से का लोगों को खुद के बारे में बात करना अच्छा लगता है और सोशल मीडिया पर यह संख्या 80-90% हो चुका है। असल जिंदगी में जब आप लोगों से मिलते हो तब आप उन लोगों के फेस और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं हो पाता है। लोग सोशल मीडिया पर लाइक शेयर इसीलिए करते हैं कि उनका लोगों के साथ बॉन्ड मजबूत रहे। और दूसरा कारण है रेसिप्रोकल। एक पर्सन एक दूसरे पर्सन के पोस्ट पर लाइक और कमेंट करता है क्योंकि दूसरे पर्सन उसके पोस्ट पर लाइक कमेंट और शेयर करता है। न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का एडिक्शन का कारण डोपामिन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन भी होते हैं। डोपामाइन ये एक प्रकार का न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन के नर्व्स के बीच न्यूरो ट्रांसमिशन के काम करता है। बहुत समय तक साइंटिस्ट डोपामाइन को एक प्लेजर केमिकल मानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि डोपामाइन प्लेजर नहीं बल्कि डिजायर है और इंसान के रिवार्ड पाने की चाहत क्रिएट करता है। जब हम कोई मनचाहा काम करते हैं तब डोपामाइन लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलते हैं तब हमें इंस्टेंट रिवार्ड प्लेजर के रूप से मिल जाता है और हम बिना किसी रुकावट के स्क्रॉलिंग करते जाते हैं और समय के चलते हुए ये काम हमें धीरे धीरे सोशल मीडिया की एडिक्टेड बना देता है। डोपामाइन जैसे ऑक्सीटोसिन भी एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि 2 पर्सन के बीच में अंडरस्टैंडिंग या कनेक्शन बनाए रखता है। साइंटिस्ट के मुताबिक सोशल मीडिया को 10 मिनट यूज करने के बाद ऑक्सीटोसिन का लेवल 30% बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करता है और स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है और लोगों के लिए ऑक्सीटोसिन जनरेशन करने वाले एक्टिविटी को कम करना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण लोग एक बार सोशल मीडिया एप्लीकेशन ओपन करने के बाद बिना किसी चिंता किए उसे यूज करते हैं। आज सोशल मीडिया एडिक्शन की
बीमारी व्यापक रूप ले चुका है, जिसके इम्पैक्ट एडल्ट लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। इसके कारण सोशल मीडिया के बिहाइंड ये हिडन टेक्नोलॉजी का काम ही है। जो भी सोशल मीडिया ऐप को डिजाइन करता है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इंसानी दिमाग को पूरी तरह स्टडी किए हुए हैं। ये लोग इन ऐप को इसी तरह बनाते हैं, जब आप इन ऐप को खोलोगे तब ये आपको अपने इंटरेस्टिंग पूछ लेता है और उन्हीं वीडियो कंटेंट दिखाता है जो आप लाइक करते हो। इसके अलावा इनफिनिट स्क्रॉलिंग भी सोशल मीडिया का एडिक्शन होने का कारण होता है। आप ना चाहते हुए भी उन ऐप पर घंटों बर्बाद कर देते हैं। आपको इस बात का ख्याल भी नहीं होता है कि आप सोशल मीडिया का एडिक्टेड हो चुके हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन की वीडियो ऑटो प्ले फीचर इंसान के दिमाग को बिल्कुल हिप्नोटाइज कर देता है। एक के बाद एक वीडियो चलते समय इंसान के दिमाग उस वीडियो में एंगेज होकर रह जाता है। उस समय खुद के बारे में और समय के बारे में ये सोचने ही नहीं देता है। ऐसे ही दिनों दिन सोशल मीडिया का यूजर रेपिडली एडिक्टेड हो रहे हैं। सोशल मीडिया को यूज करने वाले लोगों के पास अपनी प्राइवेसी नहीं रहता है, जो कि उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी बात को प्रूव करते हुए एक बार फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को मीटिंग में ये पूछा गया कि आप कल रात कौन सी होटल में थे, लेकिन वहीं पर मार्क बताने से मना कर दिया। फिर पूछा गया आप कल किसको मैसेज किए थे, लेकिन इसका जवाब देने के लिए भी उन्होंने सबके सामने मना कर दिया। यानी जिसने दुनिया के सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा करने का प्लेटफॉर्म बनाया है, वो इंसान भी अपनी जानकारी शेयर करना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें खुद को भी पता है कि अपनी जानकारी किसी को नहीं देना चाहिए। ये सबसे हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि इससे कैसे बचा जाए। व्हाट्स द सॉल्यूशन? दोस्तों, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है डोपामाइन डिटॉक्स, जिसे डोपामाइन फास्टिंग भी कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये वो केमिकल है जो हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हम कोई मजे वाली एक्टिविटी करते हैं। ये डोपामाइन हमें सोशल मीडिया का कॉन्टेक्ट में आने से भी मिलता है, जो कि हमें आनंद देता है, और इसी वजह से हम सोशल मीडिया को छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया से डोपामाइन लेने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया हमारी ब्रेन को डोपामाइन एंटीस्पेसर के लिए काम कर रहा है। ये सोशल मीडिया कुछ इसी तरह डिजाइन किया गया है कि ये आपको हर वक्त इसमें आने की दावत देगी। मानो आपने सोशल मीडिया में कोई पोस्ट किया है, जब आपको कोई नोटिफिकेशन आएगी समान लाइक योर फोटो, तो आप ये देखने के लिए जरूर आओगे कि ये समान कौन है, और फिर आप वहां से लौटकर इतनी आसानी से नहीं आ सकते, क्योंकि आपके लिए वहां बहुत सारे इंस्टेंट रिवॉर्ड फोटोज और वीडियोस के रूप में आपका इंतजार कर रहे होंगे। और ऐसा बार बार आपके साथ होने पर कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि जब आपको नोटिफिकेशन आएगी तो आप उसे देखने से पहले ही आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर देगा, क्योंकि उसे आदत हो गया होगा कि अब कोई अच्छी चीज मिलने वाला है। तो ऐसे होते होते आप सोशल मीडिया के एक गुलाम बन जाएंगे, जो कि आपके ब्रेन को हैक करने से कोई कम नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए हमें डोपामाइन डिटॉक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ दिन तक हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम में कुछ ऐसा काम करना होगा जो सोशल मीडिया से बिल्कुल रिलेट नहीं होगा, जैसे की पढ़ाई करना, आपकी हॉबी को टाइम देना, या कोई घर का काम करना, और ऐसे काम जो लाइफ में हमें कोई अच्छे से अच्छे वैल्यू दे सके। ये सब करते हुए पहले तो आप सबको बिल्कुल बोरिंग लगेगा, क्योंकि इससे आपको इतना डोपामिन नहीं मिलेगा जितना कि सोशल मीडिया से मिल रहा था, क्योंकि ये सब काम इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देते हैं, बल्कि ये हमें लॉन्ग टाइम पर एक खुशहाल जिंदगी देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका डोपामिन का रिलीजिंग वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिससे ये होगा कि आपको बोरिंग चीज भी धीरे धीरे अच्छे लगने लगेंगे और आप अपनी पढ़ाई या फिर काम पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। आपको भी ये जरूर पता होगा कि इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये है कि इसे कितने देर तक करना चाहिए। तो यहाँ हम आपको बता दें कि आप ऐसा एकदम से स्टार्ट करके सोशल मीडिया को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा करने से आप कुछ दिन के बाद फिर से सोशल मीडिया से मिलने वाले प्लेजर को मिस करोगे। पहले आपको इसे दिन में एक या दो घंटे ही करना चाहिए, और फिर आप इसे धीरे धीरे पूरी दिन तक बढ़ा सकते हैं। यह आपको सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। उसके बाद आप अपने फोन से सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को कुछ दिन के लिए डिलीट कर दो। उस दिन के बाद आप इसको फिर से चला सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये पूरी तरह विश्वास है कि आप तब तक ये समझ गए होंगे कि इनसे आपको कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान। इसके अलावा भी आप कुछ ऐसे एप्लीकेशन जैसे कि स्क्रीन टाइम, योर आवर, माई फोन टाइम जैसे एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, इनसे आपको फायदा जरूर मिल सकता है, इसलिए हमने बताया। इससे आप अपने स्क्रीन टाइम
यानी कि आप कितने घंटे फोन में या फिर किस एप्लीकेशन में वेस्ट कर रहे हो इसका एनालिटिक्स चेक कर पाओगे और उस डाटा से आप ये मेजर कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। दोस्तों, सोशल मीडिया से बचने के बहुत सारे उपाय है, लेकिन ये उन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल लग सकता है जो ऑलरेडी इससे भारी मात्रा में एडिक्टेड हो चुके हैं। लेकिन आपको भी एक सुंदर और स्वस्थ शरीर के साथ साथ सोशल मीडिया अनएडिक्टेड और खुशहाल जिंदगी चाहिए तो आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपके कोई अपने लोग या फिर कोई दोस्त ऐसे सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं तो प्लीज आप ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।